1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। घटना सुनिए, मजा आया। वेस्ट इंडीज 74 का वर्ल्ड कप जीता, 79 का जीता। क्लाइव लॉयड की फिलॉसफी अलग थी, जो कैप्टन था वेस्ट इंडीज की, उसकी फिलॉसफी में ऑलराउंडर शब्द नहीं था। 5 बल्लेबाज, 5 गेंदबाज, 1 कीपर, 11 की टीम। बल्लेबाज को गेंद करने नहीं आती थी, गेंदबाज को बल्ला पकड़ने नहीं आता, लेकिन इस फिलॉसफी से उसने 20 साल रूल किया क्रिकेट को। 74 में जीते, 79 में जीते, 83 में वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और इंडिया स्कोर 183। इंडिया स्कोर 183 माय डियर फ्रेंड्स। रिचर्ड आया बैटिंग करने, उसने 13 गेंदें खेली, 8 चौके मारे, कपिल शर्मा को मारे, रॉजर बिन्नी को मारे, हिला दिया, 183 है क्या, तो खत्म करो, घर जाओ। और कपिल देव ने रिचर्ड का कैच पकड़ा, मैच पलट गया, वेस्टइंडीज 139 पे ऑल आउट। वेस्टइंडीज को साला समझ ही नहीं आया हुआ क्या, उनको ऐसा लगा कि बंदर शेर को चांटा मार के पेड़ पे चढ़ गया, उनको तो ऐसा ही चला होगा कि साला ये 2% का टीम। वेस्टइंडीज ने रूल किया था जनाब, लोग कांपते थे। मेलकम मार्शल साला 6 फुट का आदमी, 90 की स्पीड से गेंदबाज था वो, सबसे पहला आदमी, वो साला कहते हैं कि अंपायर के पीछे से भाग के आता था, बल्लेबाज को दिखता ही नहीं था, और कहता था मुझे पिच पे खून अच्छा लगता है, हराम खोर। रूल किया था जिसने, उनको लगा कि बंदर चांटा मार के शेर को पेड़ पे चढ़ गया। वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप हारा, इंडिया घर आ गया। मजा देखो, वेस्टइंडीज ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट किया कि हमको इंडिया के साथ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। इनकी ऐसी की तैसी, सीरियसली बीसीसीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, बेवकूफों ने। आ बैल मुझे मार और रख के मार। वेस्टइंडीज की टीम के मैक्सिमम प्लेयर कभी जो इंडिया आते ही नहीं थे कि इनके पास क्या जाके खेलना है, बच्चों को क्या मारे, सारे लोग वेस्टइंडीज के इंडिया आ गए। 6 वनडे हुए जनाब पहले, वेस्टइंडीज जीता 6-0। वेस्टइंडीज 6-0, वेस्टइंडीज जीता 6, इंडिया जीता 150 रन से वनडे हराया इन्होंने अपने को, 150 रन से। और जो स्कोर कार्ड होता था उसमें सिर्फ लिखा होता था कैच कीपर बोल्ड मार्कम मार्शल, कैच डुजोन बोल्ड मार्कम मार्शल, कैच डुजोन बोल्ड मार्कम मार्शल, यही होता था। 6 के 6 वनडे इंडिया हार गया। वेस्टइंडीज ने समझा दिया कि गलती से हो गया था उसे। अब कहानियां खत्म नहीं हुई, 6 टेस्ट मैच भी हैं साला इसके बाद, 6 टेस्ट भी हैं। पहला टेस्ट मैच वेस्टइंडीज 3.5 दिन में जीता, इनिंग और 250 रन से, अभी तो शुरुआत थी। मीडिया में, पूरी इंडियन मीडिया में, पेपर में ये चला कि इंडिया तुक्के से वर्ल्ड कप जीत गया। तुक्के से ही चला, जिससे जीता उसने तो पेल दिया साला, घर में घुस के मारा। 6-0 से वनडे हराया, पहला मैच 3.5 दिन में खत्म हो गया, और मेलकम मार्शल ने 12 विकेट लिए, 8 बोल्ड मारे साले ने, उसका गेंद ही नहीं दिखता किसी को। दूसरे मैच से पहले कलाकारी हुई, मनोवैज्ञानिक बुलाए गए और काउंसलिंग सेशन हुआ सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर का काउंसलिंग सेशन हो रहा है और सुनील गावस्कर का काउंसलिंग सेशन में बोल रहा है एक लीडर कि इफ मेलकम मार्शल इज द बेस्ट प्लेयर, यू इज द बेस्ट, यू आर द बेस्ट बैट्समैन। अगर मेलकम मार्शल दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, तो तुम दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हो। चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, व्हाट यू आर डूइंग। गावस्कर को तो ऐसा लगा जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिला दिया हो, शक्तियां तेरी मां की आंख इसकी ऐसी की तैसी, साले उस सोए हुए शेर को जगा दिया। काउंसलिंग करने वाला हमारा जैसे ही साला रहा होगा कोई। सेकंड मैच फिरोज शाह कोटला, सट्टेबाज बोलते थे 3 दिन में खत्म हो जाएगा रे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और इंडिया को बैटिंग करने को दिया, जाओ। मेलकम मार्शल के सामने सुनील गावस्कर, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले ओवर में गावस्कर ने मार्शल को 4 चौके मारे, 4-4 पहले ओवर में, और लंच तक गावस्कर ने 107 किए नॉट आउट। लंच से पहले गावस्कर स्कोर 107 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज।
एक चीज बदल गया, एटीट्यूड माय डिफरेंस। और मेलकम मार्शल अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब गावस्कर ने उस पहले ओवर में मुझे चार चौके मारे, मुझे एक बात समझ में आ गया कि इंडियन क्रिकेट यहां से बदल जाएगी, कि इंडियन क्रिकेट यहां से बदल जाएगी। क्या बदल गया जानते हैं? वही गावस्कर पहले था, वही इंडियन टीम पहले थी, लेकिन उनका एटीट्यूड चेंज हुआ, दुनिया में सब कुछ। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। वी ऑल हैव पावर्स, वी ऑल हैव एबिलिटीज। लाइक हनुमान जी टाइप सो गए, मतंग ऋषि का श्राप लगा, साला तुमको भी कोई। कौन से ऋषि ने श्राप दिया रे तुमको? उनको तो मतंग ऋषि ने दिया था नटखट दे, तुमने कौन सा पाप किया है ऐसा? माई डिफरेंस, चेंज योर एटीट्यूड। इफ आई कैन ड्राइव मर्सिडीज, यू कैन ड्राइव मर्सिडीज। इफ आई कैन अर्न 40-50 लाख रुपीज अ मंथ, यू कैन अर्न 40-50 लाख रुपीज अ मंथ। मुझको देख के रश करो, जलो मुझ पे, गालियां दो और अंदर सोचो साले तू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये लेके निकलना यहां से बाहर आज, ये लेके निकलना बाहर आज, साला तू कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं रे भाई।